मौलाना साहब की शक्ल से तो नहीं लग रहा क्या चांद नजर आएगा। बस फिर चुप कर सुनने तो दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरे पाकिस्तान से हमें चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हो गई हैं, इंशाल्लाह कल पाकिस्तान में पहला रोजा होगा। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। नेकिया कमाने का महीना आ गया, मेरा दिल तो गवाही दे रहा था कि आज चांद हो के रहेगा। झूठे, तुमने तो कहा था मौलाना साहब की शक्ल देखे लगता ही नहीं कि रोजे होने वाले हैं। तुम सबको रमजान मुबारक हो। माँ जी, मैंने तो सुना था कि रमजान में शैतान बंद हो जाता है, महाराज पर तो खुला ही घूम रहा। ओहो भाईजान, एक तो आप हर वक्त घटिया झुकते मारते रहते हैं। आपको पता है रमजान में झुकते मारना कितना बड़ा पाप है? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अब तो चल गया ना पता। भाई कल पहला रोजा है और मैंने डिसाइड किया है कि कल हम रोजा बाहर खोलेंगे। जी नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि कल की सहरी असफर करवाएगा। क्यों? क्यों, तू हमें एक सहरी भी नहीं करवा सकता? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि क्यों नहीं, why not? क्यों नहीं, मैं नहीं पे ज्यादा जोर है माँ जी। और माँ जी की अगली बात थी कि पहला रोजा भाई जान खुलवाएंगे, है ना? माँ जी देख रही है क्या बकवास कर रहा है? बकवास तो ये करता ही रहता है, मगर इस वक्त ये सही बात कर रहा है। इसका तो ये मतलब हुआ कि सहरी और अफ्तारी दोनों बनाने से हमारी जान छुट गई। और शर्त ये है कि हक हलाल की कमाई से ये अफ्तारी और सहरी होगी। माँ जी, ये तो आपने बहुत ही कड़ी शर्त रख दी, लेकिन चलें कोशिश करूंगा। वैसे आप खाने में क्या पसंद करेंगी? अब मेरा क्या है, मैं तो दही और रोटी के साथ भी रोजा रख सकती हूँ। असफर है, तुमने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी ना। भाई जान, बट्टे सट्टे में ऐसा ही होता है। अब बस करो आप सब, जल्दी जाके सो जाओ, कल सहरी के लिए उठना है। माँ जी, आपने इतनी टेंशन दे दी, हमारी नींदें उड़ा दी, फिर कह रही है सो जाए। चल जा सो जा, चलो सब लोग सो। असफर, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं ईद के बाद तुमसे इंतकाम लूंगा। क्या हुआ भाईजान, कौन सी बात बुरी लग गई? अफ्तारी वाली और कौन सी, बदला मैंने तुमसे लेना, ये याद रखना। ईद के बाद इंतकाम लेंगे ना? हाँ ले लीजिएगा, ईद के बाद तक तो आपको याद भी नहीं रहेगा। क्यों याद नहीं रहेगा? क्योंकि आपकी याददाश्त बहुत ही तेज है, सुबह जो खाते हैं शाम तक तो वो भूल जाते हैं, ईद के बाद की बात कैसे याद रखेंगे? मैं आज से सहरी में 7 बादाम खाया करूंगा। वो किस लिए? याददाश्त तेज रखने के लिए, और किस लिए? अच्छा हाँ, इंतकाम तो मैं तुमसे लूंगा। हट पीछे हट। तुमने सहरी के बारे में क्या सोचा? इसमें सोचने वाली क्या बात है? फिर भी यार कुछ तो सोचा होगा ना। अरे तुम बेफिक्र रहो, मैंने जिम्मेदारी ली है ना, पूरी भी कर दूंगा, डोंट वरी। असफर, तुमने जिम्मेदारी ली नहीं है, तुम्हें जिम्मेदारी दी गई। एक ही बात डालें। जी नहीं, एक बात नहीं है, बहुत फर्क है। मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं कर लूंगा। कैसे? ये मेरा मसला है। फिर भी सहरी तक सारी दुकानें खुली रहती है, और वैसे भी हमारे शहर में क्या नहीं मिलता, शेर की आँख हाथी के दांत सब कुछ तो मिलता है। तो तुम क्या हमें शेर की आँख और हाथी के दांत खिलाओगे सहरी में? अरे मिसाल दे रहा था भाई। देखो असफर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे तुम्हारी हर एक्टिविटी का पहले से पता होना चाहिए। कुछ ना कुछ अच्छा ही करूंगा, बेफिक्र होके सो जाओ। असफर प्लीज मेक श्योर करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, माँ जी ने जिंदगी में तुम्हें पहली दफा कोई काम बोला है। अरे ये उनकी आदत जरूरी है कि उन्होंने मुझे लाइक समझा, मैं उनके इत्मीनान को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। वेरी गुड। अरे बेबी डार्लिंग, मैं तो उन लोगों में से हूं, कोई एक बार मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है तो मैं 100 दफा अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं। और तुम आगे से चिपकू हो जाते हो, है ना? तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो, है ना? नहीं असफर, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। अच्छा किया जो तुमने माँ जी की बात मान ली, अब देखना पूरा रमजान उनका मूड अच्छा रहेगा। मैं भी यही चाहता हूँ, सुकून के साथ रमजान तो गुजर जाए। इस दफा तो रोजे बहुत सख्त होंगे। क्यों? अरे गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इस बार रोजे जितने ज्यादा सख्त होंगे उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। और वैसे भी इबादत क्या है? एक इंसान को अच्छा बनाने की मशक। और रोजा क्या है? एक गरीब इंसान की भूख और प्यास को समझने की मशक। तुम सो गई, तुम में तो ऐसी एक भी चीज नहीं है। अशरफ, आपने अफ्तारी का क्या सोचा? अरे शगुफ्ता बेगम, गोली मारो अफ्तारी को। मैं तो सहरी के बारे में सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। सहरी का तो सोच रहे होंगे बेबी और असफर, आप क्यों हलकान हो रहे? सुनो, तुम जाके अपने भाई से कह दो। क्या? यही कि सहरी के वक्त में छोटे के पाए हाथ जुड़ेंगे और तिलों वाले कुलचे खाऊंगा गरम गरम। कौन बेवकूफ और पागल होगा जो सहरी में ये चीजें खाएगा? मैं खाता हूँ। अशरफ, अब हमें आपके पागल होने में कोई शक नहीं रहा। भाई चाहे मैं पाए खा के 2 दफा पागल हो जाऊं, मगर खाने मैंने पाए ही हैं, मेरी मर्जी के जो हुए। बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं आप। गुप्ता बेगम, तुम्हारा प्रा बहुत खसीस है, उसने कहाँ रोज रोज हमें सहरी करानी है। अशरफ, इस तरह फरमाइशें करना कितना बुरा लगेगा। उसे नहीं, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। अरे छोड़े ना, सहरी की सहरी में देखेंगे। देखो शगुफ्ता बेगम, मैं सच कह रहा हूँ, अगर अजफर सहरी में पाए और कुलचे लेके ना आया तो मैंने उसके पाए नीचे से इतने इतने काट देने। क्या हो गया आपको?
पाए और कुलचों का मसला ही बना के खड़ा कर दिया। सो जाइए वरना सहरी में आंख नहीं खुलेगी। अशगुफ्ता बेगम, अफतारी का सोच सोच के तो मेरी नींद ही उड़ेगी। पहले सहरी तो कर लें अशरफ, अफतारी के लिए तो दिन भर सोचिएगा। अच्छा, और हमारे भाई के पास तो 3-4 घंटे हैं खाली। वैसे आपकी माँ जी बहुत ज्यादती करती है हमारे भाई के साथ। ठीक है, पहले सहरी कर लेते हैं, फिर अफतारी के बारे में सोच लेंगे। लेकिन एक बात है, मैं बदला जरूर लूंगा। जरा अलार्म लगा लीजिएगा। नहीं नहीं भाई, इस दफा जगाना भी उसी की जिम्मेदारी है। फिर भी लगा लीजिए। पिछले साल ना उसने हमारा रोजा कजा कराने की पूरी कोशिश की थी। इस दफा ऐसा नहीं करेगा। क्यों? माँ जी उसका जीना हराम कर देंगी, इसलिए। ऐवी गल ठीक है, फिर ऐसा करता हूँ मैं अपने हाथी घोड़े बेच के ना सो जाता हूँ। गधा भी बेच लीजिएगा, बहुत शोर करता है। वाह शगुफ्ता बेगम वाह, भाई तुमने तो कमाल की जुगत मारी है। मोगैम्बो खुश हुआ। बंद कर दो लाइट। कौन है भाईजान? ओहो, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कौन है? क्या दरवाजा तोड़ने का प्रोग्राम है तुम्हारा? भाईजान आपके पास सहरी खत्म करने में सिर्फ 15 मिनट रह गए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? 15 मिनट में सहरी कैसे करूंगा मैं? भाई जान आप फजूल बातों में टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? 15 मिनट तो मुंह हाथ धोने में गुजर जाएंगे। मुंह हाथ सहरी के बाद धो लीजिएगा। अरे भाई जान, सहरी करना जरूरी है, मुंह हाथ धोना नहीं। चलिए फटाफट नीचे आइए। ये बता के मैं 15 मिनट में इतनी सारी चीजें खाऊंगा कैसे? अब आपके पास सिर्फ 14.5 मिनट बचे सहरी करने के लिए। मैं नीचे इंतजार करूँ, आ जाइएगा। 14.5 मिनट तो मुंह हाथ धोने में गुजर जाने हैं। शगुफ्ता बेगम क्या हो गया? शगुफ्ता बेगम उठ जाओ, सहरी में सिर्फ 15 मिनट रह गए। 15 मिनट? हाँ। अरे 15 मिनट में हम कैसे सहरी करेंगे? कर लेंगे, तुम उठो तो सही। आ जाओ फटाफट, आओ उसको। आ गया, जल्दी करो शगुफ्ता, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, मजे आ जाएंगे। ले आओ भाई, सहरी कहाँ है? आपके सामने रखी हुई, शुरू करें ना। क्या, पाए कहाँ है? किसके पाए भाईजान? बस यही है सहरी, कर लीजिए। क्या भाईजान, दही और रोटी हाजमे के लिए बेहतरीन सहरी है। आपका हाजमा दुरुस्त रहता है, और दूसरी बात ये कि रमजान तो हमें सादगी सिखाता है ना। मैंने नहीं रखना दही और रोटी से रोजा, मैंने पाए के साथ रखना है। अशरफ क्यों खामखा बहस कर रहे हैं? जो है दस्तरखान पे वो खा लीजिए। जो भी तो नहीं है। अरे भाईजान, मुर्गन खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, और पेट खराब हो जाता है तो रोजा खराब हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आपके रमजान खराब। तू अपना दर्स अपने पास रख, मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं, मैंने बस पाए खाने हैं। भाईजान प्लीज खा लीजिए, वरना सहरी के बगैर रोजा रखना पड़ेगा। माई जी, ये तो गले से नहीं उतर रहा। बेबी जरा चाय तो ले आओ। कौन सी चाय? वही चाय जो असफर लाया है। मैं तो कोई चाय नहीं लाया। क्या असफर, तुझे अच्छी तरह पता है हम सहरी में कुछ खाएं ना खाएं लेकिन चाय जरूर पीते हैं, वरना हमारा सर दर्द से फटने लगता है। देखिए बाजी, आपको चाय की एडिक्शन हो गई है, नशा हो गया है, और नशा इस्लाम में हराम है, इसलिए मैं चाय नहीं लाया। ये क्या कह रहा है? अरे हम चाय के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अरे बाजी, मैं तो आपको रोजे का सही कॉन्सेप्ट समझा रहा था प्रैक्टिकल तरीके से। सिर्फ इतना सोचें, इस दुनिया में कितने ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनको ये दही और रोटी तक मयस्सर नहीं है। पाए तो होंगे उनके पास। भाईजान, थोड़ा कम खाना, थोड़ा कम सोना, और थोड़ा कम बोलना अकलमंदों की निशानी है। और तूने तो इधर थोड़ा भी नहीं रखा। अजान हो गई है, बंद करो खाना और नियत करो रोजे की। चलो नमाज पढ़ने चलो सब लोग। चलो जल्दी करो। तूने ये अच्छा नहीं किया, तू मेरे जज्बात के साथ खेला है। भाईजान, मैंने आप पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और इस बात को आप बाद में रियलाइज करेंगे। तुम लोग अभी तक नमाज पढ़ने नहीं गए, जल्दी उठो और जाके मस्जिद में नमाज पढ़ो। ओए, तू सुबह से ऊंची आवाज में टीवी सुन रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? दूसरों का कोई ख्याल नहीं तुझे? माँ जी टाइम पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओए, आम दिनों में तू बीवी के साथ चिपका रहता है, और रमजान में तू टीवी के साथ चिपका रहता है। चलो ढंग आराम, कोई काम कर, टाइम पास हो जाएगा। माँ जी मुझसे कोई काम नहीं हो रहा। या फिर जाके सो जा। खाली पेट नींद भी नहीं आ रही माँ जी। अच्छा फिर ऐसे कर, इफ्तारी की तैयारी कर। माँ जी अभी तो इफ्तारी में बहुत टाइम बाकी है, अभी तो रोजे का हाफ टाइम भी नहीं हुआ। फिर ऐसे कर, पौधों को पानी दे। ना माँ जी ना, पौधे जानदार होते हैं माँ जी, अगर उनका रोजा हुआ तो पानी देने से टूट जाएगा। चल जाके गोटी कर,
तेरा टाइम पास हो जाएगा, वैसे भी टाइम थोड़ा रह गया है। माँ जी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, फौत होने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया। अरे मैं तेरा, मैं रोजे की बात कर रही हूँ। रोजा खोलने में कितना टाइम रह गया माँ जी? और 4-6 घंटे हैं बस। 4 और 6 10 होते हैं माँ जी, इसका मतलब है 10 घंटे बाकी हैं। और थोड़ा हिल जुल, टाइम पास हो जाएगा। माँ जी 2.5-3 मिनट का गाना था, वो भी 30 मिनट का लग रहा था। चल हट हरामी छोड़, चले फिरेगा तो रोजा नहीं लगेगा, अगर वेला बैठा रहेगा ना तो रोजा बहुत लगेगा तुझे। अजफर को तो माँ जी मैं माफ नहीं करूंगा सारी जिंदगी, उसने जो हमारे साथ की है ना। अशरफ, अशरफ आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? पहले तो मैं सन बात ले रहा था, फिर सूरज कहीं इधर उधर हो गया। रोजा सूख जाएगा आपका, चलिए अंदर बैठ के टीवी देख लीजिए थोड़ा। चलिए शगुफ्ता, मैं टीवी ही देख रहा था, वहाँ से ना मुझे माँ जी ने दौड़ा दिया। तो यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? मैं इधर बैठ के पौधों के फूल गिन रहा हूँ, ये पूरे हैं भी के नहीं। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा रोजा खराब हो रहा है, मुझे इफ्तारी याद आ रही है। अशरफ हम आपको ये बताने आए थे कि जाइए बाजार से जाके फल फ्रूट ले आइए, हम काट के फ्रिज में रखते हैं ताकि इफ्तारी तक ठंडे हो जाएं। इफ्तारी में तो अभी बड़ा टाइम है शगुफ्ता बेगम, वैसे तुम्हारे भाई ने बहुत जुल्म किया है। अरे हमारे तो अपने सर में सख्त दर्द हो रहा है, सुबह से चाय का 1 कप नहीं पिया हमने। मैं तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा नहीं। अरे गोली मारिए भाई को, इफ्तारी का क्या करना है ये बताइए। वही करना है जो मैंने करना है। यानी हमने कुछ नहीं करना? नहीं। फिर ठीक है, वैसे भी हमें हिम्मत ही नहीं थी, वक्त ही नहीं गुजर रहा। मुझे तो ऐसे लग रहा है शगुफ्ता जैसे 2-3 सालों से मैंने कुछ नहीं खाया। तो चलिए ना ऊपर चल के आराम कर लीजिए आप। नहीं, 3 दफा ट्राई कर चुका हूँ, नींद ही नहीं आती, पेट में चूहे दौड़ रहे चूहे। वो तुमने ठीक नहीं किया, मुंह से तुम्हारे केचप की बदबू आ रही। वो तो मैंने ब्रश नहीं किया था। वैसे एक बात बताओ, बर्गर चीज के साथ अच्छा लगता है बगैर चीज के? इस वक्त तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं कोई हेवी चीज उठाऊं और तुम्हारे सर पे मारूं। चुप करके बैठो। हाँ तो ये भी शौक पूरा कर लो। डालिंग के बच्चे अभी मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो मेरी भी जवाब दे चुकी है। असबू तुमने सहरी में कोई अच्छी चीज खाने के लिए क्यों नहीं रखी थी? मैं तो रोजे का असल मफहूम समझाना चाहता था तुम लोगों को। ये लो, समझ गए हम लोग सब। माँ जी ने हाक हलाल की शर्त भी तो रखी थी ना, अब हाक हलाल में मैं सिर्फ यही कर सकता था। अच्छा एक बात बताओ, रोजा खुलने में कितनी देर है? अभी 2-3 घंटे बाकी है। डालिंग कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि 2-3 घंटे 2-3 मिनटों में गुजर जाए। प्लीज असबू फिलहाल चुप करो। क्यों, मेरे बोलने से तुम्हारा रोजा मकरू हो रहा है? असबू प्लीज चुप हो जाओ, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही हूँ। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आया ना तो हम दोनों का रोजा खराब होगा, पहले ही भूखी हूँ तुम्हारी वजह से। वेरी गुड, ये जान के मुझे खुशी हुई कि तुम गुस्से पे काबू पाने की कोशिश कर रही हो, ये भी रोजे का एक जुज है। चुप रहना या गुस्से पर काबू पाना, दोनों। मैं जाके भाईजान की तफरी लेकर आता हूँ। क्या? मेरा मतलब था कि मैं उनकी तबीयत मालूम करके आता हूँ, टाइम भी पास हो जाएगा। भाईजान अजान हो गई। मुझसे तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैंने अजान दे रही है। अरे मैं तो आपकी खैरियत मालूम करने आया था। चल थोड़ा जा, मैं अपनी जबान गंदी करके तेरा रोजा खराब कर दूंगा। दिल चाहता तो मैं गालियां दूं। तो देना। इस वक्त मेरा रोजा है, जब दफा हो जाए रोजे के बाद तो मैं गालियां दूंगा। तेरी शक्ल देख के मुझे घिन आ रही है, अंदर से नफरत निकल रही है। भाईजान आप तो खामखा शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं। पुत्र जो तुमने मेरे साथ किया है ना, मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? बस तू दफा हो जा। भाईजान मैंने तो नेकी करने की कोशिश की थी। सियाने ठीक ही कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। मैं सचमुच तुझे दरिया में डाल दूंगा। अजीब लोग हैं आप लोग, हर कोई मुझे बुरा भला कह रहा है, कोई मेरी नीयत नहीं चेक कर रहा। चुप। अच्छा सहरी की बातों को छोड़े, रात गई बात गई, आप बताएं इफ्तारी का क्या इंतजाम कर रहे हैं? अभी तो मैंने सोचा नहीं। हाँ तू बता, आज तेरी बारी है। सुशिंदर तूने तो कुछ किया नहीं, मगर मैं तेरी तरह घटिया नहीं हूँ, बता क्या खाएगा? यानी आप मेरी फरमाइश के मुताबिक लाएंगे इफ्तारी? हाँ हाँ, तो आज अशरफ भट्ट का दिल देखना कितना बड़ा है। बड़ा दिल तो बीमारी होती है भाईजान। हाँ होती है, लेकिन शाह खर्ची भी एक बीमारी होती है, और वो बीमारी मुझे है। तुमने आज तक ना मुझे घटिया ही समझा है। बिरयानी विद शामी कबाब विद कोल्ड ड्रिंक। हाँ हाँ हाँ, और बता और बता। टिक्का विद ग्रीन चटनी। मजा आ गया, मजा आ गया। फिश फ्राई विद केचप। अजफर है, ये बता खाने पीने की चीजें सुन के जो मुंह में पानी आता, इससे रोजा तो नहीं टूटता है? कैसी बातें कह रहे हैं भाईजान, ऐसे कैसे रोजा टूट सकता है? वेरी गुड, जल्दी जल्दी खाने पीने की चीजों का और नाम ले। चिकन कढ़ाई, मटन कोरमा, चिकन शामी कबाब। वाह 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 वाह, बहुत मजा आ रहा है। और बताऊं? नहीं 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 नहीं, अब तू जा,
मेरी प्यास बुझ गई, पेट भी थोड़ा सा भर गया, अब मैं सो सकता हूँ। तू जा। इफ्तारी का इंतजाम नहीं करेंगे आप? ये मेरा मसला है या तेरा? आपका। ओए तू ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, मैं तुम लोगों को वो अय्याशी कराऊंगा कि याद रखोगे। भाई जान आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मैं मीठे का दुश्मन हूँ, रबड़ी और कस्टर्ड जरूर लाइए। जरूर लेके आऊंगा। अरे वाह भाई जान, आप तो एक अजीम इंसान है, आई लव यू। आखिर तू मेरा साला है, क्यों नहीं लाऊंगा? शगुफ्ता, शगुफ्ता। जी माँ जी। आओ गया है, तारी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? माँ जी वो अशरफ। अशरफ को क्या हो गया? अशरफ को कुछ नहीं हुआ माँ जी, अशरफ ने तो हमें अफतारी की तैयारी से मना किया है। क्यों? अफतारी अशरफ लाएंगे ना माँ जी। और तेरे प्रा ने जो जुल्म हमारे साथ शहरी पे किया, अब तू हमारे साथ अफतारी पे करना चाहती है? नहीं माँ जी, अशरफ ने हमें सख्ती से कुछ भी बनाने से मना किया है। शरबत तो बना ले कम अज कम। नहीं माँ जी, अशरफ अपनी पसंद का मशरूब लेके आएंगे। अच्छा ये बता अशरफ है किधर? वो तो चलेगी अफतारी लेने। शुक्र है अशरफ चला गया अफतारी लेने, मुझे अफतारी की बड़ी टेंशन थी। माँ जी जब तक अशरफ नहीं गए थे ना तब तक हमें भी बहुत टेंशन हो रही थी, अब हम रिलैक्स हो गए, आप भी रिलैक्स हो जाइए। अच्छा ठीक है, पर ये बता फ्रिज में ठंडा पानी है? माँ जी पानी भी वो साथ ही लेके आएंगे, अफतारी मैं कराऊंगा और मैं ही कराऊंगा, ये थे उनके अल्फाज। आप देखना मेरा पुत्र क्या करता है, खाने पीने की चीजों के साथ दस्तरखान पर देगा, और तेरे प्रा की तरह वो कटिया इंसान नहीं है। वैसे माँ जी सच पूछे ना तो हमें शरबत बनाने की भी हिम्मत नहीं है आज। अच्छा अच्छा ऐसे करो, इफ्तार का टाइम होने लगा है, जल्दी से टेबल पर प्लेटें लगवाओ। जी माँ जी। शुक्र है आप वक्त पे आ गए, लाइए खाने पीने की चीजें हमें दे दीजिए ना। सबसे पहला हक माँ जी का। सबसे पहले माँ जी। चलो बच्चों अपनी अपनी प्लेटें आगे करो, दो तीन चार पांच, और ये रही पानी की दो बोतलें। चलो भाई अफतारी शुरू करो। माँ जी आपने खुद ही कहा था ना कि मैं अपनी हक लाल की कमाई से अफतारी लेके आऊं, मेरी हक लाल की कमाई इतनी है, रोजा सादगी से रखवाया था ना, अब सादगी से खोलो। क्या? हां जी।